हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग, हु इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ, हु इज़ रिटर्निंग, कौन है जो वापस आ रहा है और क्यों, क्या वजह है। कोई भी इंसान हो सकता है ये जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या आपसे कोई कोई अनफिनिश बिजनेस हो सकता है, क्लोजर हो सकता है, क्योंकि हम मर्की रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट वाली चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं, कोई वापस आना चाहेगा या कोई सोच रहा है आपके बारे में, कोई रीच आउट करना चाहता है, या हो सकता है आप किसी की तरफ वापस जा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन चल रही है। बट मेरी इंटेंशन यही है कि ये देखना है कि आपकी तरफ कौन आ रहा है वापस, कौन, हु इज़ कमिंग बैक टू यू, हु इज़ रिटर्निंग एंड वाई, कौन है ये इंसान और क्यों। लेट्स सी, ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। सो लेट्स गो, लेट्स सी इट फॉर माई कलेक्टिव, हु इज़ रिटर्निंग, हु इज़ कमिंग बैक। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा, ठीक है, तो ये कब, कौन वापस आना चाह रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली समवन इज इन योर एनर्जी, जजमेंट। ओ माई गॉड, दिस इज़ एक्स। ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ आपका बहुत ही पेनफुल कनेक्शन रहा है, ये जो भी इंसान है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक कनेक्शन है, एक्स है, ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा। आप देख सकते हो कि कितना आप रोए हो इस इंसान के लिए, कितना इस इंसान ने आपको तड़पाया है, कितना आपने इस इंसान के लिए दुआ मांगी है, कितना आपने इस इंसान के लिए लेट से इस इंसान का वेट किया। आपने ये दुआएं मांगी कि ये इंसान अपने हार्ट को ओपन करे, अपने आप को ओपन करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, ठीक है। आपने पूरी कोशिश की, मुझे लगता है आपने सब कुछ 100% अपना जो है इस रिलेशनशिप में दिया। आपने इस इंसान के साथ सोल कनेक्शन भी फील किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान ने या तो आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, आपको इग्नोर किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको जज किया, ये जो भी इंसान है। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक है और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। तो लेट से ये आपके कोई मेल फिगर हो सकता है आपके आपकी फैमिली में, लेट से आपके फादर, ब्रदर, कोई ना कोई ऐसा इंसान, या इवन वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा इंसान जो मेल था, मैस्कुलिन, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में। जब हम मैस्कुलिन की बात करते हैं तो ये वो इंसान है जो लॉजिकली सोचता है, माइंड से सोचता है, दिल की बात नहीं सुनता। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये जो भी इंसान था। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ओ, किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन। यहाँ पे दो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं और वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, इंटरेस्टिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यस। आपके और इस इंसान के दरमियान में कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, कभी बात नहीं बनी आप लोगों के दरमियान में, कभी भी आप लोग सेम पेज पे एग्री नहीं हुए। ये वो इंसान है जिसने आपकी तरफ कभी भी कोई एफर्ट नहीं की, आप वेट करते रहे। आप, हो सकता है आप ऐसे, कुछ लोगों ने आपने बैग भी किया, इस इंसान को रोकने की हर कोशिश की, आपने भीख मांगी, आपने माफ़ी मांगी, आपने हर वो चीज़ की कि आप किसी तरह से ये इंसान आपको मिल जाए, किसी तरह से ये इंसान आपको समझे, किसी तरह से ये इंसान आपका हो जाए। लेकिन इस इंसान ने क्या किया कि आपके ही दिल को तोड़ा और आपको ही हर्ट किया, विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कभी भी आपको वो खुशी दी जिस तरह से आप इस इंसान के पीछे पागल थे। कह सकते हैं आप कि यू वर क्रेजी एंड मैडली इन लव विद दिस पर्सन। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप ऑब्सेस्ड थे, आप क्रेजी थे, आप मैडली इन लव थे। लेकिन द गुड न्यूज इज, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से, ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, आप इस हार्ट ब्रेक से निकल आए हो, आप उस सिचुएशन से निकल आए हो। अब कर्म ये चीज है कि इस इंसान, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, इट्स अ सैटर्न, सो जो चीज आप करते हैं उसका कर्म आपको जरूर मिलता है, अच्छा या बुरा, वो चीज आपको जरूर मिलती है। ये और बात है कि आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, आप उस डिनायल में रहें कि ना रहें, लेकिन विद अ वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है कि इस इंसान ने डेफिनेटली अब कर्म आप डबल हो चुका है, ठीक है। जो इस इंसान ने आपके साथ किया वो अब इस इंसान के साथ हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को अब दिन रात यही टेंशन है, रिग्रेट है, आपकी थॉट्स जो इस इंसान ने आपके साथ किया है, इस इंसान के साथ जो भी कुछ गलत होता है वो सोचते हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया था इसलिए ये सब कुछ हुआ है। मतलब आप इस इंसान के दिमाग में अब अटक चुके हो, स्टक हो चुके हो और वो आपको भुला नहीं पा रहे। आप शायद मूव ऑन कर चुके हो लेकिन ये इंसान नहीं। इस इंसान को अभी भी रिग्रेट है कि उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। और एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है, विद द किंग ऑफ वांड्स, ये भी हो सकता है कि ये इंसान प्लेयर रहा है, ठीक है। और दिखने में इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, बॉसी एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटीज, लड़की या लड़का, बट इट्स अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी। ये दोनों कार्ड बहुत मैस्कुलिन है। तो इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं एक्वेरियस या लियो हो सकता है, लायन। तो डेफिनेटली इस इंसान को बड़ा गरूर था, बड़ा तकब्बुर था अपनी खूबसूरती पे, अपनी पैसे पे, लेट से, या अपनी इंटेलिजेंस पे, स्मार्टनेस पे। इस इंसान को लगा कि ये तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा सकता है। मतलब हो सकता है इस इंसान ने आपको जज भी किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड एंड जजमेंट है। हो सकता है इस इंसान ने आपको ये जज किया कि आप उनके साथ उनकी खूबसूरती की वजह से, उनके पैसे की वजह से, या आपका कुछ और ही पर्पज़ है।
ठीक है, लेकिन जो कनेक्शन आप फील कर रहे थे उस वक्त ये इंसान उस फीलिंग में नहीं था। आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, ये जो भी इंसान है जो जिस वक्त आप वो कनेक्शन फील कर रहे थे विद जजमेंट, मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, जो कनेक्शन आप इस इंसान के साथ उस वक्त फील कर रहे थे, जो तकलीफ आप फील कर रहे थे, जो सैडनेस हार्ट ब्रेक आपको फील हो रहा था, इस इंसान को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये इंसान उस एनर्जी में था ही नहीं बेसिकली, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कोई कोलैबोरेशन नहीं थी, कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई बात नहीं हो रही थी। ये वन साइडेड हो सकता है, अनरिक्वायर्टेड लव सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान के पीछे क्रेजी थे, कि आपकी एनर्जी इतनी इस इंसान के इर्द गिर्द थी कि इस इंसान को होश ही नहीं था आपके बारे में सोचे, क्योंकि आप 24 घंटे अवेलेबल थे इस इंसान के पास। आप ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन से आपने इस इंसान को विद अ वर्ल्ड कार्ड आपने छोड़ा पीछे, आपने बात करना छोड़ी, आप आगे मूव ऑन किए मेंटली इमोशनली जो भी था, आपने इस इंसान के साथ चैप्टर क्लोज किया, उस दिन से इस इंसान की नींदें उड़ चुकी हैं विद अ फाइव ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि इस इंसान को लगता है कि चैलेंज, आप इस इंसान के लिए एक चैलेंज बन चुके हो, मेंटल चैलेंज। आप इस इंसान के दिमाग में हो 24 घंटे, मतलब ये वो इंसान है। इस इंसान को अब ये टेंशन हो रही है कि आप आगे क्यों मूव ऑन कर रहे हो, कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि आपके पास दो लोग हैं, ठीक है, एक वो इंसान है जो डेफिनेटली वो इंसान है जिसने आपको कुछ नहीं दिया बदले में, आपने सब कुछ दिया 100%। आप चाहते थे कि रिलेशनशिप आगे बढ़े लेकिन वर्क नहीं किया। ऑब्वियसली एक इंसान की एफर्ट से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक दूसरे इंसान की तरफ से भी वो उतनी ही एफर्ट ना हो रिलेशनशिप, तभी जाके कामयाब होता है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आज़ाद कर दिया अपने आप को इस सिचुएशन से, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। ये इंसान नहीं भूल पा रहा, ये वो इंसान है। और अब इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में तो इस इंसान के दिमाग में आप मजीद ज़्यादा हो, और इस इंसान को ये डर है कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दिया। लेकिन इस इंसान को ये भी डर है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको जज करोगे। अब टाइम बहुत अब लेट हो चुका है। अब एक और इंसान है जो यहाँ पे फायर साइन वाली एनर्जी दे रहा है। हो सकता है ये इंसान फायर साइन है लेकिन अर्थ प्लेसमेंट साइन के चार्ट में, या एयर साइन, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये वो इंसान है, आप इस इंसान को उस वक्त मिले जब आप इस चैप्टर को क्लोज कर चुके थे पास से, या आप निकल चुके थे, निकल रहे हो, ठीक है। अब ये वाला जो इंसान है, ये इंसान आपको उस पास्ट वाले पर्सन की जो है वो एनर्जी को याद दिला रहा है। तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि आपको, आप इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने एफर्ट की लेकिन आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन ये इंसान आप में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये जो भी फायर साइन है। लेट्स सी मोर, क्योंकि मुझे जानना है व्हाट इज दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स। ये फाइव ऑफ सोर्ड्स क्या है प्लीज? एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, या लुक एट दिस। तो ये वो इंसान है विद एम्प्रेस एंड टू ऑफ कप्स। इस इंसान के लिए ये भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है कुछ लोगों के लिए। एम्प्रेस एंड टू ऑफ कप्स, ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है जिसको अब ये टेंशन है। ये इंसान अब उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, गलती की है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस इंसान को ये डर है क्योंकि इस इंसान के सर में अब दर्द हो रहा है, हेडेक है, ये सोच के कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से लव करते हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, और ये अब इस चीज़ इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं हो रही। टॉरस लिब्रा हो सकता है ये इंसान, ठीक है, टॉरस या लिब्रा। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली हो सकता है आपका वीनस और सैटर्न कंजंक्ट था, या वीनस और आपका प्लूटो कंजंक्ट था इस इंसान के साथ, या वर्स वीनस और मर्स है। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन म्यूचुअल थी, लव रोमांटिक है, अट्रैक्शन म्यूचुअल थी, सब कुछ था। लेकिन जहाँ बात आई कोलैबोरेशन की, जहाँ बात आई, ये इंसान मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ गेम्स खेल रहा था, माइंड गेम्स। ये चाहता था कि आप अटके रहो उन पे, आप उनको छोड़ो नहीं। ये इंसान ये भी हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली आपको एज अ ऑप्शन देख रहा था, लेकिन इस इंसान का फोकस कहीं और था, ये इंटरटेन कुछ और कर रहा था, दिखा कुछ और रहा था, प्रिटेंड कुछ और कर रहा था। मैं आपको 100% श्योर कह सकती हूँ कि इस इंसान की उस वक्त फीलिंग्स नहीं थी जब आप इनके साथ अटैच थे। जिस दिन से आप इस इंसान से मूव ऑन हुए, ठीक है, जिस दिन से आपने इस इंसान की परवाह करना छोड़ दी, जिस दिन से आपने इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दिया, आपने इस इंसान के पास जाना छोड़ दिया, भीख मांगना छोड़ दिया, इस इंसान की कदर करना छोड़ दी, जिस दिन से आपने अपनी वैल्यू समझी विद एम्प्रेस, आपको अपनी समझ आई, अपनी कदर की समझ आई, उस दिन इस इंसान को समझ आया, ओ माय गॉड, ये तो मेरा लवर है, ये तो मेरा सोलमेट है, ये लड़की लड़का जो भी हो सकता है, बट इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी। तो अब देख लें आप, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, इनको डेफिनेटली अब आपके साथ वो यूनियन चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया इस इंसान के। अगर आपने लेसन लर्न कर लिया और आप देखते हैं कि इस इंसान के अंदर एक प्रोग्रेस नजर आ रही है, आपको चेंज नजर आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि आप में से कुछ लोग ये इस इंसान को वो चांस देंगे या नहीं देंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी डिसाइडेड कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चैरियट की नजर आ रही है, आपने डिसाइड कर लिया है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते,
आप इस न्यू पर्सन को शायद चांस देना चाहें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे कोई और भी है, किसी और की एनर्जी भी शामिल है, तो शायद आप इस इंसान के साथ मूव ऑन करेंगे कुछ लोग, या डिसाइड करेंगे इस इंसान को टाइम देना, एनर्जी देना। आप देखना चाहते हैं कि ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट वाले पर्सन की वजह से आप इस न्यू पर्सन को, या ये जो भी इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड है, आप इस इंसान को आप टेस्ट कर रहे हो। आप देखना चाहते हो कि ये इंसान आपके लिए क्या करना चाहता है, क्या एफर्ट करेगा, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान की वजह से, पास्ट वाली एनर्जी की वजह से इस इंसान पर ट्रस्ट कर पाओगे। लेकिन ये वो इंसान है जो आपको प्रूव करेगा, ये डेफिनेटली आपके एक्स की तरह या पास्ट वाले पर्सन की तरह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान की एफर्ट आपको नजर आएंगी। लेकिन रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, या आप धीरे धीरे ओपन होंगे, या आप धीरे धीरे इस इंसान पर ट्रस्ट करोगे, लेकिन ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी। ये इंसान कैंसर भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, जो भी है, आपकी विश पूरी होने वाली है। मैंने आपसे जैसे कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए द स्टार, मैंने आपसे पहले बोला था, जो आपने, जिसको आपने दुआओं में मांगा है, आपने विश की थी, आपने प्रे किया था, या जिसके लिए भी आप इस वक्त दुआ कर रहे हो, विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ये वो इंसान है। एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी दुआ तो पूरी हो रही है, आपकी विश तो पूरी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लेट हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब डिफरेंट है। शायद आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो कुछ लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कि मैंने जैसे कहा, हु इज़ रिटर्निंग टू यू, कुछ लोगों के लिए आपका क्रश हो सकता है, क्योंकि आप इस इंसान के पीछे भागते रहे, आपने पूरी एफर्ट की, लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी कदर नहीं की। लेकिन अब शायद इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो भी आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एनर्जी आपने अपनी इन्वेस्ट की है इस इंसान के अंदर, या ये इंसान आपके अंदर सीरियसली अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इट विल टेक इट स्लो, टाइम लगेगा समझने में, अंडरस्टैंड करने में, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, ठीक है, आपको इन पर ट्रस्ट करने पे, या उनको आप पे ट्रस्ट करने में, ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डिस्टेंस भी हो सकता है, शायद इस वजह से भी, शायद आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, या आप ऑनलाइन मिले, इंटरनेट पे मिले, या कुछ जो भी डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसको कवर करने के लिए आप दोनों को पहले एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, दिस इज लाइक अ हीलिंग एनर्जी। तो कुछ लोगों पर डिपेंड करता है कि आप, शायद मुझे लगता है आपके पास चॉइस है, आप चूज़ करेंगे किसके साथ आपको जाना है, किसके साथ आपको मूव करना है, और किसके साथ आपने सिचुएशन को हील करना है। और कुछ लोगों के लिए आपके पास दो या तीन लोग तो डेफिनेटली हैं, टॉरस की एनर्जी भी आ रही है। अब अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, ठीक है, आपके पास तीन लोग हैं, तो आप तीन हैं या दो हैं मैक्सिमम, तो डेफिनेटली, तो आप डिसाइड करोगे जो इस वक्त आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग कॉन्टैक्ट भी करेंगे ये इंसान, आपकी विश पूरी होगी। लेकिन ये इवन इंसान ट्रैवल करके भी आपके पास आएगा, और आप सरप्राइज हो जाएगा, शॉक हो जाओगे कि ये इंसान आपके लिए इतना कुछ करने के लिए रेडी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब फाइनली टाइम आ गया है कि आप एफर्ट्स देखोगे, और जो आपके लिए एफर्ट पुट करेगा रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, ये जो भी है, या जो आपको प्रूव करके दिखाएगा, आप सिर्फ उसी की तरफ ही चूज़ करोगे, मुझे लगता है उसी को ही चूज़ करोगे, डिसाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली दो लोग हैं, और आप में से एक को तो ऑब्वियसली चूज़ करना ही पड़ेगा, एक को चूज़ करना पड़ेगा, एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये सही वही सेम पर्सन ही है, ठीक है, सेम पर्सन ही है जो पहले ऐसे थे, लेकिन अब आपको टोटली एक बिग चेंज इस इंसान के अंदर नजर आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इन पर ट्रस्ट कितना जल्दी करते हो, उनकी एफर्ट्स को देखना है आपने कि नहीं। बट इट्स अ ट्रू लव, जो चीज़ भी है ये, इट्स योर डेस्टिनी, ये किस्मत में आपके लिखा था, ये डेस्टिनी में लिखा था आपका इनके साथ लेसन लर्न करना, रिलेशनशिप में जाना, इस पूरे साइकिल में से जब गुजरना, हीलिंग से गुजरना, आपको हील होना था, इस इंसान को हील होना था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस पुराने वाले पर्सन को थैंक गॉड, शुक्रिया बोलोगे कि ये सब कुछ किया, क्योंकि मुझे फाइनली समझ आई कि मेरे लिए बेटर कौन है। ये भी हो सकता है कि शायद आप किसी और बेटर ऑप्शन को चूज़ करो, और आपको फाइनली अब समझ आएगा ट्रू लव क्या है, जहाँ पे एफर्ट पुट की जाती है, जहाँ पे दोनों तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट और केयर होती है, ना कि सिर्फ एक इंसान करे। तो मुझे लगता है कि आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा है इस इंसान के साथ, और आपने भी इस इंसान को सबसे बड़ा ज़िंदगी का लेसन सिखाया कि किसी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड। किसी के कदर आपको तब होती है जब आप उसको खोते हैं, आपको समझ तब आती है। तो हो सकता है ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगे, मे बी टू लेट। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेम एज भी हो सकती है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास दो या तीन ऑप्शन है, और अगर आपके पास दो या तीन ऑप्शन नहीं है तो दो तो लाजमी है, एक पास्ट वाला, एक इंसान है, एक न्यू है, या कोई ऐसा इंसान है जिसको आप को आप पे क्रश है, वो आपको पसंद करते हैं, देयर कमिंग बैक टू यू, या आपको एट सम पॉइंट इस इंसान पे क्रश था, आप पसंद करते थे, फिर आपने लगा ओके ठीक है ये चीज़ तो कहीं पर जा नहीं रही, कहीं पर प्रोग्रेस नहीं कर रही, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये इंसान आपको शॉक करेगा, सरप्राइज कर देगा आपकी तरफ अचानक आके या कन्फेस करके। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस।